आवाज ना करो। नहीं समझ में आ रहा। आवाज ना करो बाबू ज्यादा। प्लीज कमेंट मी लाइक डन और कमेंट कर दो। तू लोग देखे गिरिधर भैया आ गए। जय श्री कृष्ण दीदी जी लाइक। थैंक यू गिरिधर भैया। जंगली मेंढक जंगली मेंढक थैंक यू सो मच। और बताइए कैसे हो, क्या हो रहा है? कुछ नहीं गिरिधर भैया, बस लेटे हैं। सिर में दर्द बहुत हो रही है तभी लेटे हैं। और बताइए आपका खाना वाना हो गया? 10 बज चुका है। तिवारी जी आ गए कि नहीं? तिवारी जी तो आ गए थे, लाइव हमारी एंड हुई है उसके बाद आए हैं, मतलब 8 बजे आ गए थे, 8:30 बजे बाहर घूम रहे हैं।
संदीप भैया आते हैं ना जो हम लाइव में, उनकी दुकान है यही पास में, तो हस्बैंड की उनकी मतलब बहुत अच्छी खासी दोस्ती है, तो जब वो उनकी परचून की दुकान है, जब वो बंद करते हैं तो यहाँ बातें करके थोड़ी देर के लिए तब जाते हैं। सब हो गया है दीदी जी। अच्छा, खाने में क्या खाया था, क्या बना है? 5 लोगों की वॉचिंग है, प्लीज कमेंट और लाइक डन कर दीजिए। रवि विश्वकर्मा, हेलो रवि जी, वेलकम है आपका हमारी लाइव में, और बताइए कैसे हो। प्लीज लाइक डन कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बताइए कहाँ से हैं। कचौड़ी आलू वाली चटनी, ओ माय गॉड, आलू की कचौड़ी तो बहुत फेवरेट है। गिरिधर भैया, काहे हम व्रत हैं तो लालच दे रहे हो, आप कहाँ हो? मैं यूपी लखनऊ से हूँ, यूपी लखनऊ से हैं रवि भैया, यूपी लखनऊ से हैं आप, बताइए। प्लीज लाइक डन कर दो। गिरिधर भैया, लाइक नहीं किया है मैंने, ही लाइक कर लिया था अपने फोन से, वही है। अभी देखो हमने डिसलाइक कर दिया, देखो 0 बचा, कोई नहीं लाइक किया है। तो अंधेरा क्यों है? अरे हम लेटे हैं, सिर में दर्द बहुत हो रही इसीलिए लेटे हैं। देखो है ये हमारा, देखो मंदिर है। गिरधर भैया, 9 दिनों तक कुछ ना कुछ बनता रहेगा दीदी जी। अच्छा, तो मतलब हमको लालच देते रहोगे आप। आलू की कचौड़ी ना मुझे बहुत पसंद है, सोच लो। रवि जी, ओके, मेरा सिर में ना बहुत दर्द हो रही थी इसीलिए हम सामने नहीं आए। हमने लाइक कर दिया है दीदी जी, माँ दुर्गा की सौगंध खाकर कह रहे हैं। हाँ नहीं, लेकिन 0 दिख रहा है, हम यकीन करते हैं बट इसमें शो नहीं कर रहा, तो फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए। अरे भैया क्या बताऊँ, मेरी तबीयत नहीं सही लग रही है। प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। रवि जी भी वीडियो बनाते हैं लग रहा है, 5 सब्सक्राइबर भी हैं। मंदिर देख लो, सब लोग मेरा दर्शन कर लो भगवान जी के, और क्या है, हम तो रोज आते हैं कैमरे के सामने, भगवान कहाँ आ पाते। हमारे में 2 दिख रहा है दीदी जी, मैंने कोशिश की थी मगर सब्सक्राइब नहीं रही। अच्छा, किसके, आपके? का हुआ, इतनी तेज क्यों दौड़ते हो? भारी कर्षु था। हम नहीं बढ़े तो बंद कर दिया वीडियो बनाना। नहीं, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आप डेली बढ़े या ना बढ़े आपका काम है उस पे प्रॉपर काम करना, ठीक है? ये देखो यूट्यूब है, जैसे कि अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो कभी घाटा नुकसान तो कभी बढ़ोतरी होती रहती है, ठीक है? मेरा बच्चा एक है, सिर्फ 6 साल का मेरा एक ही बच्चा है। फलहार कर लो दीदी जी, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा नहीं लगता है गिरधर भैया, हम खा नहीं पाते कुछ, चाहे खाना हो, वह जानते हो हम खाना नहीं खा पाते, इसीलिए तो हमने व्रत रख लिया। हम सोचे कि वैसे भी नहीं खाते, खाना भी खराब होता है, इससे अच्छा व्रत ही रहें जब नहीं खाते हैं, और व्रत भी है। हस्बैंड बहुत डांटते हैं, वो केला ला के रखे थे, इसको खा लो, सेब खा लो, हम नहीं खा पाते, पता नहीं क्यों, हमको अच्छा नहीं लगता, मतलब शौक नहीं है, तो रखे हैं सब वैसे के वैसे, हम नहीं खाए हैं।
तभी रवि भैया जानते हो उस पे प्रॉपर काम करना पड़ता, जैसे कि कभी कभी यूट्यूब भी बीच में परीक्षा लेने लगता है कि मतलब आप प्रॉपर काम करने लायक हो भी कि नहीं, ये भी चीज तो है। हमारे में भी ऐसे ही होता हुआ शुरू शुरू में, कभी एकदम से बढ़ गए, इतने सारे व्यू आए, सब्सक्राइबर आए, फिर बीच में एक दो आने लगे, हम भी सोचे यार ऐसा क्यों हो रहा है, पहले आते थे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही वीडियो अपलोड करने में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो कमी बेसी जो है घाटा नुकसान मुनाफा लगा रहता है, बस वीडियो प्रॉपर डालना शुरू करो, बस आपका चैनल सब ठीक हो जाएगा। मेरा तो अभी साल भर नहीं हुआ है, 29 अगस्त को हमारा 1 साल हो जाएगा चैनल को। और बताइए गिरिधर भैया कैसे हैं सब लोग घर में, आपका नन्हा मेहमान कैसा है, घर वापस आ गए कि नहीं? हाँ आज ही घर आए हैं सब। अच्छा आ गए, आपने बताया भी नहीं, इतनी खुशी की बात आपने नहीं बताया। आपके घर में दुर्गा जी आई हैं गिरधर भैया, पता है नवरात्रि में लड़की का प्रवेश हुआ है आपके घर में? 1 मिनट। उसका नाम भी पापा ने दिव्या रख दिया है दीदी जी, झूठ बात बोलो, ठीक है गिरधर भैया सच्ची बताओ? उसका तो दुर्गा ही नाम होना चाहिए था। फिर से कसम खानी पड़ेगी क्या दीदी जी? नहीं 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 मैं यकीन कर लूंगी, अब मत खाओ कसम। अच्छी बात है हमारी नामा राशि आ गई। अच्छा तो फिर लड्डू बांटे दीदी जी फिर? हाँ बांटो बांटो, बिल्कुल बांटो, 1 किलो हमको देना लड्डू, ठीक है?
सॉरी म्यूट था। अक्षय जी कहाँ से हैं आप, वेलकम है आपका हमारी लाइव में। जय माता दी, कहाँ से हैं आप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक डन कर देना। मोदी को जीत जाने दो, जितना लड्डू चाहिए मिलेगा दीदी जी। हम सागर में एमपी से। अच्छा, आप एमपी से हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक डन कर देना। और बताइए, खाना वाना हो गया सभी का, फैमिली में सब लोग अच्छे हैं? नहीं देखना है मैच। कर लिया है सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। मैच देखा तो बहुत बड़ा पाप पड़ेगा, और चामुंडा देवी की लाइव छोड़ के जा रहे हो तो पाप पड़ेगा। ये क्या लिखा, बवंडर बहन जी राधे राधे, जाने दो। हमको कहाँ बवंडर बताए थे, वो तो उनको बताया था ना बवंडर। हम बवंडर नहीं हैं। अक्षय जी आप भी पंडित जी हैं, हमने अभी देखा नाम। अच्छा, आपको पता नहीं चला आप भी पंडित हो, हम भी पंडित, सब पंडित ही हैं हमारी लाइव में। तिवारी जी गजल गा रहे हैं क्या दीदी जी? हाँ, सुनाई दे रहा है गजल का। भविष्यवाणी भी करते हैं क्या दीदी आप? हाँ, मतलब समझे नहीं। हाँ, कुछ कुछ कान में आवाज आ रही है गाने की, मच्छर गा रहा होगा। मतलब ये भगवान दिख रहे थे ना पहले, इसलिए पूछा। अच्छा, कौन भगवान दिख रहा था? मतलब ये भगवान दिख रहे थे ना। अच्छा, मतलब हमारे वो जो डीपी लगाए हैं ना, उसमें भगवान दिखे हैं। नहीं, डीपी में भगवान कहाँ दिखे हैं।
तिवारी जी को मच्छर बोल रही है दीदी जी, आप देख लो तिवारी जी। नहीं तुम बोले कि गजल गाने की आवाज आ रही, तो हम बोले मच्छर गुनगुना रहे होंगे कान में, हम तिवारी जी को थोड़ी ना बोले। देख लो मतलब तिवारी जी आपको मच्छर बोल रही। हर बात को उल्टा। कितना बोलती हूँ भैया, सांस नहीं ले सकते तुम? और के बाद मुझ पूरा सो रही है। अरे कमेंट करो, 5 लोग देख रहे हैं तो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब तो भरोसा कर लो तिवारी जी, दीदी आपका खूब मजाक उड़ाया करती हैं। हम नहीं उड़ाते हैं, उनको है पता। भैया प्लीज लाइक डन कर दो। पहले कमला पसंद नाम रखा, फिर मच्छर, अब आगे देखना क्या क्या कहती हैं दीदी आपको तिवारी जी। बच्चे रहना गिरधर भैया, कहीं ये आतंक आपके ऊपर ना आ जाए। आप तो भैंसा खाने वाले हो, और ऊपर से का हो, भैंसा खाने वाले और गांजा पीते हो। हाँ गांजा पीने वाले, गांजा को तो पीते हो। सुन रहे हैं तिवारी जी कि नहीं आप? हाँ बोलो। सुन रहे हैं? आपका जो प्रवचन है सबको सब दिख रहा है। अच्छा गिरधर भैया ये बताओ, अम्मा कब से मारी नहीं है तुमको? हो गया हमें क्या तिवारी जी, खुद समझदार हैं। दीपक यादव आर्मी वेलकम है दीपक भैया, और बताओ कैसे हो, खाना वाना हो गया आपका? हैप्पी नवरात्रि।
हमारी अम्मा हमें आज तक कभी नहीं डांटी है दीदी जी, तभी तो परेशान ना हो। जिस दिन हम आएंगे ना उस दिन हाथ पर तोड़वा देंगे अम्मा के हाथ को। बोलो अंकल, तो दुकान बंद करके चले गए हैं ना? मारने की बात तो दूर की सोच है। आह बाबू बहुत मारते हैं हमको। ये बाबू कौन है? बाबू कौन है? कौन है जो हमको बोले हैं बाबू के? जो हम लोग खाना खा रहे हैं तब आए पापा को बाबू बोलते हो? बाबू बहुत मारते हैं हमको। अरे भगवान, तब तो अम्मा से काम नहीं होने वाला, पापा जी से काम होने वाला पक्का। बोल दिए ना तो बेल्ट उठाए कहीं, हाँ पता नहीं कहा होगा, भगवान नहीं जान सकते हैं। शायद उस दिन आपके शरीर पे मांस वगैरह बचेगा ही नहीं जिस दिन पापा जी से बोल दिए, है ना गिरधर भैया? कहने का क्या जरूरत? अभी बता रहे हैं। बाबू को देखते ही खुद ना भाग जाना, हमारा तो रहने दो दीदी जी। कह रहे बाबू को देखते खुद ना भाग जाना तो हमारा रहने दो, हम नहीं भागेंगे, हम तो उनकी बिटिया होंगे ना, तो वो हमको नहीं कुछ कहने वाले, ठीक है? लड़कों को ज्यादा ही डांटते बनाते हैं, बच्चे शैतान होते हैं ना, बिटिया सबसे ज्यादा प्यारी होती है बाप को। ट्राई कर लो फिर। हाँ करेंगे ट्राई, काहे परेशान हो? ये मच्छर देखो हमारे हाथ पे बैठ रहा, और ये मच्छर देखो थे। तिवारी जी मच्छर हो गए अब क्या दीदी जी? नहीं भैया, मच्छर बहुत लग रहे हैं। पंखा चल रहा है फिर भी। खाना खा रहे थे तभी कमेंट नहीं किए थे, अभी किसी ने बाहर बुला लिया तो बाहर चले गए हैं।
तिवारी जी के आने से पहले एक भी मच्छर नहीं लग रहे थे। ऐसी बात नहीं है, तब दिन था अब रात हो गई है। अरे यार इतने टाइम बहुत पैर दर्द करने लगे हैं, सिर में दर्द हो रही, चलो तो दर्द करता है सिर, कुछ खाने का भी नहीं मन कर रहा है, क्या करें। अब काम करने के लिए ताकत लाना है शरीर में तो खाना तो है ही है भाई, जैसे को तैसे, मतलब जैसे तैसे। मैच देख लो थोड़ा दीदी, जाओ मैच देख लो फिर मैं भी बंद कर देती हूँ, आधा घंटा हो गया मेरा। थैंक यू गिरधर भैया, गुड नाइट, राधे राधे, जय माता दी। बोल तो दो तब जाओ, सबका साथ सबका साथ। ओहो ब्रजेश भैया आ गए, फुल सपोर्ट, थैंक यू सो मच ब्रजेश भैया। और बताइए कैसे हो, खाना वाना हो गया आपका, हुआ कि नहीं हुआ ब्रजेश भैया बताइए। ब्रजेश भैया हमारी लाइव ना देखें तो काम चलने वाला है ही नहीं, दुनिया ना देखे चल जाएगा, लेकिन ब्रजेश भैया मेरी लाइव तो जरूर ही देखेंगे चुपके चुपके से। अभी नहीं हुआ है, अच्छा क्यों, 11 बजने वाला है। बन गया खाना, बना क्या है, आपने बनाया किसने बनाया खाना, क्या बना है खाना ये बताओ। हम तो भैया व्रत हैं, सुन सुन के तसल्ली ले रहे हैं, किसी के यहाँ आलू की कचौड़ी चटनी बनी है। अभी भैया हम तुमको बता रहे हैं ऐसे कपड़े नहीं गिर जाएंगे। फास्ट हूँ, अच्छा आपका भी है मेरा भी है, ओ माय गॉड थैंक यू सो मच। तब तो तब भी कुछ ना कुछ तो मतलब बना ही होगा आपको खाने के लिए। मेरा भी फास्ट है, ये सब उठाओ बाबू, इधर सिंक में रखो, कुछ ना हो इसमें, उसमें भी कुछ ना हो तो वो भी उठाओ, सिंक में रखो फटाफट तुरंत। ये सब है दिखाओ, नहीं खा रही हूँ, ला इसको बंद करके रख देते हैं, सुबह बाद छुट्टी दे देंगे। बाकी उठाओ सिंक में रखो जाके, चलो ये सब उसी में रखो, थाली में रखो, इसको सिंक में उठाओ तुरंत। हमको भी भूख लगी है, कुछ ना कुछ खा लें लेटे जाके। विवेक भैया राधे राधे जी, राधे राधे कैसे हो, वेलकम है विवेक भैया आपका हमारी लाइव में। और बताइए कैसे हो, खाना वाना हो गया आपका। आप लोग बोलते होंगे बोल देखो रही है, तड़ातड़ कैमरे के सामने नहीं आ सकती है, ठीक है जी, चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रही। हमारी प्रॉब्लम जानते हो क्या है, हमारी प्रॉब्लम है दिन भर खाना नहीं खाता हूँ, सिर्फ रात में खाना खाता हूँ, 9 दिन का फास्ट है। मेरा भी सेम यही है ब्रजेश पांडे भैया, मेरा भी यही है, क्योंकि दिन में मन नहीं करता, चाय पी लेते हैं, हम ये नहीं कहते कि कुछ नहीं खाते हैं, हम चाय पी लेते हैं, सुबह भी चाय नाश्ता कर लिए, और चाय मतलब और मूँगफली के दाने नहीं होते वो, और दोपहर में चाय पी लिए, और फिर आलू बॉयल करके शाम को ही उसको मतलब फ्राई कर लेते हैं, शाम को ही खाते हैं, दिन में हम खुद ही नहीं खाते हैं, मन ही नहीं करता खाने का, पहली बात तो ये है। Mm-hmm.
भाभी जी रात दबा कर खाना खाता, रोटी सब्जी चावल दाल खाता हूँ। अरे रात में खाना खाते हो रोटी सब्जी चावल, फास्ट है आपका, फिर भी मैं नहीं मान सकती। आपका फास्ट है, आप रात को खाना खाते, बताओ। हम भी कुछ खा लेते हैं, तब तक आप लोग वो करिए, कमेंट करिए, ठीक है। भाभी जी सिर्फ दिन का फास्ट है, रात का फास्ट नहीं है। ओ माय गॉड, मैंने तो पहली बार सुना है। रात में कौन खाता है खाना, बताओ। मुच्छा देखो ना, अरे मैं आपको बुलाना, क्यों बुलाने जा रहे हो? मुच्छा कर, अब मैं तुमको हम बता रही हूँ, कितने दिन से काट रहे थे तब कोई दिक्कत नहीं थी। चुपचाप बैठ जाओ उधर। कहाँ चले गए सब लोग, कमेंट करो भी प्लीज। फन वीडियोस लाइक डन 5, थैंक यू सो मच, वेलकम है फन वीडियोस आपका। और बताइए कैसे हो, खाना ना हो गया आपका? आज तो चांद देखा है, कल तो ईद है, एडवांस में ईद मुबारक फन वीडियो मेरी तरफ से। हम लोगों का ईद हो गया सिस्टर आज, लेकिन है तो कल, है तो कल भैया। भाई जी कोहरा पड़ रहा है क्या, बताओ तो, दिखाई नहीं दे रही हो, बताओ। हम आलू आलू खा रहे हैं, मतलब नाश्ता कर रहे हैं। फन वीडियोस ईद तो आज है, बच्चों के स्कूल में कल छुट्टी मिली है। हमारे यहाँ इधर तो सऊदी के साथ होता है। अच्छा, मतलब
वहां दिन है क्या इस टाइम? आपके यहाँ दिन है क्या? अच्छा, इंडिया में तो कल है। हाँ, हमारे चांद एक दिन पहले नजर आया। अच्छा, मतलब कल आ गया था। चलो, बहुत अच्छी बात है। ईद मुबारक मेरी तरफ से। मैंने सोचा कल होगी, तो मैंने सोचा एडवांस में बोल देते हैं, लेकिन यह तो आज ही होगी। मेरी तरफ से आपकी पूरी फैमिली को ईद मुबारक भैया। इसी तरह अभी आगे इन दोस्तों में अभी नहीं होगा ईद। अच्छा, अभी नहीं हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर। नहीं भैया, कोई बात नहीं है। फेस्टिवल सबके अपने अपने होते हैं, सबके अपने अपने हर्षोल्लास के साथ सब लोग मनाते हैं। आपका हो या मेरा, हम सब इंसान हैं। राधे राधे। सिस्टर सपोर्ट करवा दो, आपको रिटर्न कर दूंगा। भैया, अपने दूसरे फोन से मैंने आपको ज्वाइन किया था, और रात का टाइम है ना, मैं लाइव बहुत कम आती हूँ। इस टाइम तो ज्यादा कोई है नहीं, तो मैं किससे सपोर्ट करवा दूँ? बस वही 4 बजे ज्यादा सब लोग आते हैं, तभी आना। मेहनत करते रहो अपने चैनल पर, ठीक है? राधे कृष्णा। देखो, सबसे बड़ी होती है सफलता मेहनत। आपका जुनून है चैनल पर, तो चैनल पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। कुछ भी हो जाए, वीडियो अपलोड करने में अपना वीडियो अपलोड करने का एक टाइमिंग सेट करो। पीएम 4 बजे, शाम को 4 बजे आते हैं डेली। आप तो आते हो ना? एएम नहीं, पीएम में। पहले वीडियो डालने का समय निश्चित करो। एक वीडियो सुबह डालो, एक वीडियो शाम को डालो। जैसा कि मैं सुबह 8 बजे तक अपलोड करती हूँ, शाम को लाइव एंड करने के बाद अपलोड करती हूँ। कभी पहले कर देती हूँ, कभी बाद में करती हूँ। और जब 100 सब्सक्राइबर हो जाएं आपके, जब 100 सब्सक्राइबर हो जाएं, तो लाइव स्ट्रीमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको चालू करो। पहले आधा घंटे, फिर जब आपको लगे कुछ ज्यादा लोग आ रहे हैं, तब 1 घंटे। ऐसे बढ़ाते रहना बढ़ाते रहना, 2-2, 3-3 घंटे स्टार्ट कर देना। वीडियो डेली डालो, डेली डालो। नेट नहीं है, कनेक्ट कर लो वाईफाई पर, पढ़ना चाहिए। और कभी सब्सक्राइबर आपकी वीडियो पे ना आए, व्यू कम मिले, तो टेंशन भी ना लो कि मतलब ऐसा तो नहीं हमारे कुछ डालने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक, उसकी टेंशन ना लो। कम ज्यादा होते रहते, जैसे बिजनेस में लॉस
फायदा होता रहता है ना। राधे कृष्णा। मेरे तो सिस्टर 500 हैं। हाँ तो अपना लाइव चालू करो, 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शन आ जाता है कि लाइव चालू करो, और अगर लाइव नहीं आओगे तो वॉच टाइम नहीं पूरा होगा। देखो सब्सक्राइबर पे मत जाओ, ठीक है। मेरा देखो अभी 1 साल नहीं हुआ है, 2-2.5 हजार हो गए हमारे सब्सक्राइबर, लेकिन 1 साल में 1 हजार इम्पोर्टेंट है, वॉच टाइम होना चाहिए। अब आपके 500 हैं तो साल में 1 हजार तो नॉर्मली हो ही जाएंगे, लेकिन वॉच टाइम पूरा होना चाहिए ना, उसके लिए लाइव चालू करना पड़ता है। लाइव अपना स्टार्ट करो और एक टाइमिंग बनाओ फिक्स कि लाइव कितने टाइम आना है, क्योंकि देखो अभी इतने टाइम हम सुबह या शाम चलाते तो नहीं जाता, तो लोग कहाँ आते हैं। 4 बजे की हमारी फिक्स है, तो जिस टाइम फिक्स होगी लोग उतने टाइम बजे ही हमेशा आएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। जी 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 थैंक यू। भैया रेगुलेटर बंद कर दीजिए। पानी लगाओ जाएगी, इसी में भर के लगायो।